स्टूडेंट अब हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे. राइट द नंबर व्हिच इज 5000 मोर देन 20,045,624. तो हम इसको यहां पे सॉल्व करेंगे. 20,045,624. तो 5000 मोर देन का मतलब है कि 5000 को हम इसमें ऐड करेंगे. 5000 यहां पे 4 में 0 ऐड करेंगे तो 4 रहा, 2 में 0 ऐड करेंगे तो 2, आगे 6, 5 एंड 5 10, 10 का हमने 0 लगाया, 1 कैरी, 4 एंड 1 5 0, यहां पे 0 एंड 2. इस तरह से 20,045,624 में 5000 जब हम ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 20,050,624. तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट ए. तो अब हम पार्ट बी करेंगे. पार्ट बी 800 मोर देन 12,695,148. 12,695,148. इसमें हम 800 को ऐड करेंगे क्योंकि लिखा है 800 मोर देन. इसको हम ऐड करेंगे 8, 4, 8 and 1, 9 और 5, 9, 6, 2, 1 सेम आ जाएंगे क्योंकि इनमें कुछ भी ऐड नहीं हो रहा. तो ये हमारा बी पार्ट था. अब हम इसको रेज करते हैं. इसके बाद हमारा सी पार्ट होगा. सी पार्ट में 20,000 मोर देन 1,462,834. 1,462,834. तो इसमें हम 20,000 ऐड करेंगे. 4 में 0, 4, 3 में 0 ऐड किया तो 3, 8 में 0 ऐड किया तो 8, 2 में 0 ऐड किया तो 2, और 6 में 2 ऐड करेंगे हम तो 8 हो जाएगा. 4 और 1 सेम वैसे ही हम नीचे लिख देंगे. तो इस तरह से हमारा ये सी पार्ट था. और इसके बाद हम डी पार्ट करेंगे. डी पार्ट है हमारा 12,000 मोर देन 2,695,148. 2,695,148 और इसमें हमने ऐड करना है 12,000. 12,000 8, 4 एंड 1 ये तो सेम ही आ जाएंगे क्योंकि ये इसमें 0 ऐड हो रहा है. 5 एंड 2 7, 9 एंड 1 10, 1 कैरी, 6 एंड 1 7 एंड 2. इस तरह हमने ये डी पार्ट कर लिया है. 2,707,148. तो अभी इसके पास जो पार्ट, इसके बाद जो पार्ट नंबर ई है और एफ है ये आप खुद करेंगे ताकि आपकी इसमें प्रैक्टिस हो. अब हम क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं. सब्ट्रैक्ट द गिवन नंबर्स. इनको हमने सब्ट्रैक्ट करना है. सबसे पहले हम पार्ट ए कर रहे हैं. 3 में से 3 को हम माइनस करेंगे, 0 आ गया. 5 माइनस 4 1, 9 में से 3 आउट किया तो बाकी हमारे पास 6 रह जाएगा. 6 माइनस 5 1, 9 में से हम 0 आउट करेंगे तो 9 ही रहेगा. 4 में से 2 2, और 1 में से कुछ भी हम आउट नहीं करेंगे तो हमारे पास 1 रह जाएगा. इस तरह हमारा आंसर है 1,291,610.
अब सेकंड वाले को 9 में से हम 2 आउट करेंगे निकालेंगे तो हमारे पास 7 आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास ऊपर स्मॉल नंबर 2 है, नीचे बिग नंबर 4 है, तो स्मॉल में से 4 को हम माइनस नहीं कर सकते, तो हमें 3 में से 1 बोरो लेना पड़ेगा। इसमें से हम 1 बोरो लेंगे तो ये 2 रह जाएगा और ये हमारे पास हो जाएगा 12। तो 12 में से 4 निकालेंगे तो हमारे पास 8, और 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 1 आ गया। उसके बाद आगे फिर हमारे पास 7 में से 8 को हमने माइनस करना है, तो ये मुमकिन नहीं है, तो इसके लिए हम 4 में से 1 बोरो लेंगे, ये हमारे पास 3 हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास 17। तो 17 में से जब हम 8 को निकालेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 9, 3 में से 3 को निकालेंगे तो 0, 6 में से 5 को 1, 5 में से 4 1, 4 माइनस 1 3, ये हमारे पास आएगा 31,109,187। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन सी है, 8 में से 7 1, 4 माइनस 3 1, 6 माइनस 5 1, 5 माइनस 2 3, 7 माइनस 3 4, 8 माइनस 2 6 एंड 4 माइनस 1 3। तो ये हमारा आंसर जो है 3,643,111। अब हमारा पार्ट डी है, 3 माइनस 2 1, अब 2 माइनस 7 नहीं हो सकता तो इसलिए हम बोरो लेंगे, तो बोरो हम 8 में से लेंगे 1 तो ये 7 हो जाएगा और वो 10 जो है इस 2 के साथ लगेगा तो ये 12 हो जाएगा। 12 माइनस 7 5, 7 माइनस 6 7 माइनस 1 6, अब 0 और 0 यहां से हम कैरी लेंगे, ये 3 हो गया, यहां पे 10, 10 में से हम मजीद 1 लेंगे तो ये 10 हो जाएगा और पीछे रह जाएगा हमारे पास 9, तो 10 में से 6 4, 9 में से 3 6 और आगे 3 या 3 में से 9 नहीं लिख सकता तो हम यहां पे 5 करेंगे और ये हमारे पास 13 हो जाएगा। तो 13 में से 9 4 और यहां से हम 1 इसके साथ मिलाएंगे तो ये हमारे पास 15 हो जाएगा, 15 में से 7 8। इस तरह से ये हमारा आंसर आ गया 8,464,651। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यहाँ पे 2 में से 5 माइनस नहीं होता तो यहाँ पे हम 2 रह गया, हम एक बोरो ले लेंगे तो ये हमारे पास हो गया 12, 12 माइनस 5 7 और 2 माइनस 2 0, 9 माइनस 7 2। अब फिर हमारे पास 4 स्मॉल नंबर है और 8 बिग नंबर है, यहां से हम 5 लेंगे, 5 रह जाएगा बाकी जब हम 1 बोरो लेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 14, 14 में से 8 माइनस 6 हो गया और 5 माइनस 1 4, 8 माइनस 4 4 एंड 2 माइनस 1 1। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 50,100,032। तो यहां से हम इसको 2 कर देंगे, ये हमारे पास 12 हो जाएगा, 1 बोरो लेने से 12 माइनस 4 8, यहां पे 2 है, 2 भी स्मॉल है, इधर 0 स्मॉल, ये 0 स्मॉल, ये 0 स्मॉल, तो ये 1 जो है हम ले लेंगे, ये 0 रह गया हमारे पास, तो यहां पे 10, फिर ये 10, फिर ये 10 और इसमें 10 में से ले तो ये हमारे पास 12 हो जाएगा और ये सारे हमारे पास 9 रह जाएंगे, तो 12 माइनस 6 6, 9 माइनस 1 8, 9 माइनस 2 7, 9 माइनस 5 4 और 0 माइनस 0 0। अब नेक्स्ट फिर हमारे पास ऊपर वाला स्मॉल है तो बोरो लेने से ये 4 और ये हमारे पास 10, तो 10 माइनस 8 2 और 4 माइनस 2 2, 22,048,868। तो ये एफ पार्ट तक मैंने कर दिया, तो जी एच आई ये पार्ट्स आप खुद करेंगे ताकि आपके अच्छे तरीके से प्रैक्टिस हो। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे, सॉल्व द सम्स यूजिंग द इंटरनेशनल सिस्टम।
इंटरनेशनल सिस्टम को यूज करते हुए हम इसको सॉल्व करेंगे. फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट 8 डिजिट नंबर एंड द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर. तो ऊपर हम 8 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर लिखेंगे और नीचे 5 डिजिट. तो 8 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर कौन से बनते हैं? 9 9 9, 1 2 3 4 5 6 7 8. ये 8 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर हो गया है. और इसके साथ हम 5 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर लिखेंगे, 9 9 9 9 एंड 9. तो इसको हमने डिफरेंस फाइंड करना है. इसका मतलब है कि हमने इसको माइनस करना है. तो 9 माइनस 9 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये 9, ये भी 9 और ये भी 9. इस तरह से हमारा ये डिफरेंस फाइंड हो गया. डिफरेंस इसका है 99,900,000. और इसके बाद हम इसका बी पार्ट करेंगे. इसको मैं रेज करता हूं. बी पार्ट में है फ्रॉम द स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर सबट्रैक्ट करना उसमें द ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर. तो स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर कौन सा होगा? 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 and 8. तो ये 8 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर हो गया. तो इसमें 6 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर को माइनस करना से 9 9 9 9 9 9. तो यहां से हम बोरो लेंगे. ये 10 में से यहां पे 10 हो गया, ये 10, फिर 10, यहां पे 10, यहां पे 10 और यहां पे 10, यहां पे 10. आखिरी वाले 10 को छोड़कर पिछले जितने 10 हैं उनमें से, क्योंकि हमने एक एक बारो लिया है, यहां पे 9 9 आ जाएगा. तो यहां पे हमारे पास 10 में से 9 1, आगे 0 0 0 0 0 एंड 9. इस तरह से हमारा आ गया 9 मिलियन 1. 9 मिलियन एंड 1.